एसी डायनमो के अंदर या एसी जनरेटर के अंदर आपको पहला क्वेश्चन आएगा, लिखने को आ जाएगा एसी जनरेटर एसी डायनमो के बारे में लिख दो, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, बात खत्म हो गई। ये सबसे आसान चीज़ है। दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक कॉइल है, एन टर्न्स की कॉइल है, और वो आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमा दी मैग्नेटिक फील्ड में, तो ईएमएफ क्या जनरेट करोगे? वही टॉपिक जो अभी लास्ट किया था, क्योंकि वो टॉपिक कुछ नहीं है, वो एसी जनरेटर ही था। एसी जनरेटर की मैथमेटिकल वर्किंग वही थी जो भी हमने कर ली, तो ऐसे भी आ जाता है। तो इसके अंदर आपने लिखना है, सबसे पहले अगर ये लिखने को आएगा कि इट इज़ अ मशीन जो क्या जनरेट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट एनर्जी जनरेट करता है, कहाँ से? मैकेनिकल एनर्जी से, क्योंकि डैम पे पानी गिरता है, टर्बाइन घूमती है, कॉयल घूमती है, मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है, फ्लक्स चेंज होता है तो करंट पैदा होता है। प्रिंसिपल लिखना है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब फैराडे का फर्स्ट लॉ लिख देना है। क्या स्टेट करता है? व्हेन एवर अमाउंट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और वो तब तक रहेगी जब तक फ्लक्स चेंज होगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ लिख दो। फिर आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने ये चार पॉइंट्स लिखने हैं, चार पॉइंट्स अपने वर्ड में लिखना, लेकिन ये चार चीज़ें क्या लगती हैं उसको डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले एसी जनरेटर में आपको मैग्नेट्स चाहिए, फील्ड मैग्नेट्स, तो फील्ड मैग्नेट लिख दी। दूसरा आपको कॉयल चाहिए जो घूमेगी, जो कॉयल है उसको लपेट दिया जाता है किसी मटेरियल के ऊपर, इस कॉयल को बोलते हैं आर्मेचर। इसको कॉयल नहीं बोलते, एसी जनरेटर में इसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर। बहुत सारी कॉयल्स को आर्मेचर बोलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है आर्मेचर। तीसरा, इसके अंदर जो वायर्स हैं वो लपेटी जाती हैं इस रिंग्स के ऊपर, और रिंग के ऊपर ये वायर ना, मतलब इतनी ज़बरदस्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप देखेंगे कमाल की चीज़ के डिज़ाइन ही ऐसा है जो एसी जनरेट कर देगा। तो इसके अंदर जो वायर है इसके ऊपर स्लिप कर सकती है, घूम सकती है, मतलब अगर ये रिंग है, अगर ये रिंग है और ऊपर से एक वायर ऐसे लगी हुई है रिंग के ऊपर, जब ऊपर कॉइल घूमेगी तो ये लटकती हुई वायर भी घूमेगी। ये वायर रिंग के साथ अटैच्ड है, ऐसे घूम सकती है, मतलब बिना टूटे। सोचो कितनी तेज जनरेटर घूमता होगा और ये वायर की क्या इंजीनियरिंग होगी, ये पूरी घूम जाती है बिना टूटे। तो इसे बोलते हैं स्लिप रिंग्स, क्योंकि वायर इसके ऊपर क्या हो जाती है? स्लिप हो सकती है, स्लिप रिंग्स। और लास्ट है ब्रशेस। ये मेटल के बने हुए ब्रशेस हैं, रिंग में से करंट को बाहर निकालने का काम ये मेटल का ब्रश करता है। तो आपने कंस्ट्रक्शन में लिखना है आर्मेचर, कॉइल को आर्मेचर बोलते हैं, फील्ड मैग्नेट्स, स्लिप रिंग्स और ब्रशेस। फिर आपने ये दोनों डायग्राम बनाने हैं। ये डायग्राम के अंदर एक करेक्शन करो, सबसे पहले करेक्शन ये है कि ये डायग्राम में ऐसे, ये एरो ऐसे है, दोनों डायग्राम में ऐसे है, दूसरे डायग्राम में भी और पहले डायग्राम, करेक्शन करो। ये जो एरो है ये ऐसे बनाना है आपने, ठीक है, उल्टा है। ध्यान से देखेंगे कंस्ट्रक्शन, मेन चीज यही समझना है, डायग्राम समझना है। तो आपने क्या किया ये ध्यान से देखें, ये आपने एक वायर ली, वायर का एक हिस्सा यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से होता हुआ इस रिंग पे टच कर रहा है, ठीक है, और वायर का दूसरा हिस्सा यहाँ से पहली रिंग को टच कर रहा है। तो लेफ्ट वाला हिस्सा पहली रिंग को टच कर रहा है, राइट वाला वायर सेकेंड रिंग को टच कर रहा है, ये इनिशियल डायग्राम है, राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो करें स्टार्ट, घुमाएं जनरेटर। जनरेटर में ये वाला हिस्सा कॉइल का बोर्ड के अंदर जाएगा और ये बाहर आएगा, ये अंदर जाएगा और ये बाहर आएगा। जैसे ये हिस्सा अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स चेंज होगा, इसमें करंट पैदा हो जाएगा। अब इसमें करंट कैसे पैदा होगा? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, बी कैसे है? नॉर्थ से साउथ। थंब कैसे है? बोर्ड के अंदर, क्योंकि ये पोर्शन कहाँ जा रहा है? बोर्ड के अंदर। तो बी ऐसे है, थंब बोर्ड के अंदर है, करंट कैसे पैदा होगा? ऊपर, बी मोशन ऑफ अ कंडक्टर, करंट ऊपर। तो अब करंट देखो, करंट ऊपर पैदा हुआ, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इस इधर गया, यहां से ब्रश से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, इस ब्रश में आते हुए, इस वायर में जाते हुए, देखो अपना पूरा सर्किट कंप्लीट कर गया। मैंने अपने फिंगर को उठाया भी नहीं, एक ही गो में कर दिया, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। अगर उठ जाती सर्किट ब्रेक हो गया। अब करके देख लो, आपकी ये पूरी पूरी लाइन एक ही गो में यहाँ तक जा रही है, पूरा सर्किट क्लोज हो गया। तो यानी कि इसमें करंट ऊपर गया, इसमें नीचे आया, इसमें नीचे आया, नीचे आया, इधर गया, लेफ्ट आया, इधर गया, इधर होके चला गया। पहला डायग्राम क्लियर है?
सही है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो फ्लेमिंग का रूल लगाया ना, फ्लेमिंग के रूल में ऐसे हो गए। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये डायग्राम बनेगा ना, तो ये जो करंट आएगा राइट साइड पे, वो पहले नीचे वाली रिंग में जाके लेफ्ट आके ऊपर की रिंग से निकलेगा। अब इमेजिन करो ये कॉइल पलटेगी भी, तो कैसे? ये कॉइल अब ऐसी हो जाएगी, ऐसे तो ऐसी हो जाएगी, है ना, पलट जाएगी। पलटने का मतलब है कि जो ए बी पोर्शन है वो यहाँ चला जाएगा और सी डी लेफ्ट पे आ जाएगा। तो देखो दूसरा डायग्राम, दूसरे डायग्राम के अंदर भी सेम ही करेक्शन है। ये देखो ऐसे ऐसे बनेगा। अब क्या हुआ, ए बी लेफ्ट पे था, ए बी राइट पे आ गया, सी डी राइट पे है, सी डी लेफ्ट पे आ गया, पलट की वायर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये ऊपर आर्मेचर पलट गया, वो तो कोई बात नहीं, नीचे लटकती हुई वायर भी पलट गई। प्रॉब्लम है ये जो नीचे लटकती हुई वायर देख रहे हो, ये भी घूम जाएंगी रिंग्स के ऊपर से स्लिप होती हुई लेफ्ट और राइट हो जाएंगी। कैसे? ये देखो ऐसे, इसके अंदर ये वाली जो वायर थी लेफ्ट वाली, वो यहाँ पे थी रेड कलर की। इसके अंदर जो राइट वाली वायर है ये वाली, ऐसे है ब्लू कलर की। तो ये डायग्राम क्लियर है? लेकिन जब ये वायर्स पलट गई, पलटने से ब्लू वाली वायर देख रहे हो, जो नीले रंग की वायर है वो अब लेफ्ट पे आ गई, और जो रेड कलर की वायर है, देखो रेड कलर की जो वायर है वो राइट पे आ गई। चेक कर लो, कलर से पता लग रहा है साफ। लाल रंग की तार लेफ्ट पे है, देखो राइट पे आ गई, और नीले रंग की तार राइट पे है, घूम के कहां पर आ गई, लेफ्ट पे आ गई। ये इंपॉर्टेंट है। और बिना टूटे उलझी भी नहीं, बस रिंग्स पे घूम गई। और ये काम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल के लोग बनाते हैं सब चीज़ें भाई। मशीन ही ऐसी बनाएंगे, डिजाइनिंग ऐसे कर देंगे कि वो इस तरीके से घूम के टूटेगी भी नहीं और घूम भी जाएगी। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, फिर से रूल लगाते हैं। अब ये वाला पोर्शन सी डी बोर्ड के अंदर जाएगा और ए बी पोर्शन बोर्ड के बाहर आएगा, फिर से करंट पैदा होगा। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। जब करंट पैदा होगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो इधर जाएगा। मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसके अंदर जब करंट मैं फिंगर नहीं हटाऊंगा, फिंगर सेम ऐसे रखूंगा, तो ये इधर गया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, रिंग से होता हुआ, ब्रश से होता हुआ इधर गया, इधर आया, इधर आया, रिंग से होता हुआ इस वायर में एंटर करता हुआ सर्किट कंप्लीट कर गया। देखो मैंने फिंगर नहीं हटाई, मैं फिर कह रहा हूँ, एक ही गो में पूरा सर्किट का, तो पजल नहीं होती जैसे पेन नहीं हटाना हिलाना, पेन हिल गया तो सर्किट ब्रेक हो गया। तो आपके सामने ही है, चेक करो, फिर देखो। यही तो कलाकारी की, यही कलाकारी तो इसको एसी जनरेटर बनाती है। देखो कैसे, ये आया, ये आया, पहले इधर गया, ये मेटल का रिंग है, मेटल के रिंग में जब करंट आएगा तो ब्रश बाहर निकाल देगा इसे, तो जो भी करंट आएगा ब्रश बाहर निकाल देगा। तो राइट गया ऊपर, ब्रश में एंटर कर गया, और ब्रश से मेटल की रिंग में एंटर कर गया, और वहां से इस में एंटर करता हुआ कंप्लीट कर गया। इंपॉर्टेंट ये है, इसकी डिजाइनिंग इस तरीके से कर रखी है कि जब ये इस डायग्राम में था तो करंट की डायरेक्शन कहां थी, लेफ्ट, और जब ये इस डायग्राम में, करंट कैसे हो गया, राइट। और मैं भी तो वही कह रहा हूं, हमारे घरों में करंट कैसे आता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। यही तो कलाकारी है कि साइनोसाइडल कैसे बन रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है करंट ने डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज। और वो कौन करवा रहा है, वो जनरेटर करवा रहा है। जो डैम पे लगा जनरेटर है वो ये काम कर रहा है, कॉइल ऐसे घुमाता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी। अब वो जो करंट पैदा कर रहा है वो इसमें पैदा कर रहा है। हमारे जितने भी पूरे शहर में घर है, अप्लाइंसेज हैं, सब पैरेलल में है। जनरेटर ने क्या किया, 220 वोल्ट पैदा किया, मैंने अपना एक बल्ब लगा लिया पैरेलल में, उसको 220 मिल गया। तुमने एक पंखा लगा लिया पैरेलल में, उसे 220 मिल गया। किसी ने एसी लगा लिया, उसको 220 मिल गया। जनरेटर जनरेट करता जा रहा है बिजली, वो वोल्टेज हमारे घरों में ऐसे शहर में आती जा रही है। पैरेलल लगाते जाओ, घरों में बिजली आती जाएगी, है कि नहीं? बस पैरेलल लगाते जाओ, आंसर आता जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या रूल है इसमें, ये कैसे काम करेगा? तो दोनों डायग्राम आपने एज इट इज़ बनाने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बना के फिर आपने मैथमेटिकल वर्किंग लिखनी है। वर्किंग के अंदर तो सिंपल एक काम कर सकते हो, ये लिख सकते हो, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है,
ए का मतलब एरिया है, बी का मतलब फील्ड है, थीटा का मतलब बी और ए के बीच में एंगल है, बाकी मैथमेटिकल पोर्शन वही एग्जैक्टली जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था. क्या किया था? फ्लक्स क्या था? एन बी ए कॉस ओमेगा टी, जो भी किया था पिछला टॉपिक. और फिर क्या किया था? इंड्यूस ई एम एफ माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह क्या? एन बी ए कॉस ओमेगा टी. इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या आया था? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. इसको ई नॉट पुट किया था, इज ई नॉट साइन ओमेगा टी. हमारे घरों में करंट क्या आ रहा है? ई एम एफ को आर से डिवाइड किया, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर. ई नॉट बाई आर क्या है? आई नॉट. तो ये डायग्राम बना देना, हमारे घरों में ऐसे ई एम एफ जनरेट होकर आती है. ये बना के आना डायग्राम, ये आपने सारा लिखना है जब आपके एग्जाम में आएगा. तो कैसे काम करते हैं समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है वो टॉपिक के बाद ये टॉपिक क्यों पकड़ा? क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन ही सेम है, सही है. अब किसी ने कहा सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, पानी तो डैम, देखो पानी आपने घेरा डैम से, वो फिर नदी के थ्रू गया, समुंदर में गया, फिर वो वेपर बनेगा, पहाड़ों पे आएगा पानी, फिर इकट्ठा होगा, फिर बिजली बनेगी. ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है. ऐसे थोड़ा ना कि आपने अभी पानी घेरा डैम का, इकट्ठा उठा लिया, उसे मोटर थोड़ा लगी है कोई. तो फिर उससे क्या हुआ? सलाह दी किसी ने, पानी तो गिर ही रहा है, बहुत जोर की गिर रहा है, तुम एक टर्न तो, तुम एक कॉइल तो लगाते ही हो, क्यों ना ऐसा करो इस एक कॉइल के साथ एक और कॉइल फिट कर दो 90 डिग्री पे. मैंने कहा वो क्यों? कहता देखो इसके अंदर अलग टर्न्स कर लो, इसके अंदर अलग टर्न्स कर लो, जब ये पूरा टर्बाइन घूमेगा, पूरा आर्मेचर घूमेगा, अब एक की जगह दो दो आर्मेचर घूमेंगे, और सोचो अगर दोनों के करंट मिक्स नहीं होते तो इसका अपना करंट जनरेट होगा, इसका अपना करंट जनरेट होगा. तुम दो दो करंट एनर्जी लो, पानी तो गिर ही रहे और बहुत जोर के गिर रहे, तो तुम एक की जगह दो टर्बाइन घुमाओ, उसी पानी से दो तीन कॉइल्स इकट्ठे घुमा दो, तो उससे देखो तीन तीन इकट्ठे करंट जनरेट हो जाएंगे. हमारे घरों में बिजली थ्री फेज आती है, थ्री फेज मल्टी फेज जनरेटर बोलते हैं इसे. तो एक कॉइल अगर खराब हो जाए तो दूसरी कॉइल काम कर रही है, कॉन्टिन्यूस बिजली तो पैदा हो रही है कम से कम, फिर तीसरी भी जनरेट हो रही है. अब किसी में ज़्यादा हो जाती है, किसी में कम भी हो जाती है. आपने सुना भी होगा आपके घर में एक फेज आ रहा है दूसरा चल रहा है, यही तो है मल्टी फेज, तीन अलग अलग तारों से बिजली को प्रोवाइड कर रहे हैं, पीछे से भी मल्टी फेज जनरेट हो रहा है. तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? और अगर बहुत सीखना है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लेना, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जो इसी में डील करती है, पढ़ते रहना बैठ के.